हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 10 का डाउट सेशन करेंगे। कुछ डाउट्स हैं हमारे पास, हम उसे सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले मैं जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा प्रैक्टिकल सेशन, ठीक है। प्रैक्टिकल सेशन, ये सेशन 2-3 दिन चलेगा, जब तक हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिकल रिलेटेड जो है उसे हम लोग कर नहीं लेते तब तक। इस प्रैक्टिकल सेशन में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल जो हम करेंगे, जो प्रैक्टिकल आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड करने हैं, कम्युनिकेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकंपोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चार प्रैक्टिकल में से कल जो हमारा कल का सेशन होगा वो डिस्प्लेसमेंट सेक्शन के ऊपर होगा। हम लोग कल के वीडियो में प्रैक्टिकल, दरअसल प्रैक्टिकल होता क्या है, कभी भी आप किसी साइंस इस पर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक थ्योरी पोर्शन होता है, प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। थ्योरी में हम चीजों को पढ़ते हैं कि ऐसा होता है, जैसे कि सपोज कीजिए मैंने कहा कि हमने मतलब रिएक्शन हुआ, या अपने आपने अपनी आंखों से नहीं देखा। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि शुगर और पानी को हम मिलाते हैं तो वो रिएक्शन नहीं है, लेकिन अगर हम Fe को अगर हम CuSO4 के साथ मिलाते हैं तो ये रिएक्शन है। तो आपने इस चीज को थियोरेटिकली आपने पढ़ा बाय द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट क्या रियल में ऐसा होता है कि मतलब शुगर और पानी जो है वो आपका ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, बट जो आपका Fe+CuSO4 है वो आपका केमिकल रिएक्शन है। तो ये चीजें हम क्या करते हैं, लाइव अपनी आंखों से रिएक्शन करा के देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो कभी जो भी प्रैक्टिकल होता है आपका, वो जो प्रैक्टिकल होता है वो शुरू होता है एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट का नाम कि एक्सपेरिमेंट आप क्या करने वाले हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है मटेरियल रिक्वायर्ड, ठीक है, कि आपको इस प्रैक्टिकल को करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद आता है, आप एक्सपेरिमेंट का नाम लिख लोगे, मटेरियल रिक्वायर्ड लिख लोगे, उसके बाद आता है इसका थ्योरी, ठीक है, कि आप इसमें मतलब ये किस चीज पे बेस्ड है, इसके प्रिंसिपल क्या है, इसके सिद्धांत क्या है। जैसे कि अगर मैं कहता हूं, जैसे कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, Fe+CuSO4 की हम बात करते हैं, तो Fe+CuSO4 क्या है, Fe+CuSO4 एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये जो थ्योरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ये हम क्या करते हैं उस थ्योरी में मेंशन करते हैं। उसके बाद हमारा आता है कुछ जीवन कि आप इस रिएक्शन को कैसे करोगे, मतलब आप क्या लोगे, कैसे कर रहे हो, किसको किसमें मिला रहे हो, ये सारा चीज कहाँ आता है, प्रोसीजर। नेक्स्ट आता है आपका कंक्लूजन कि आपने, या फिर रिजल्ट जिसे आप लोग कहते हो, या फिर मतलब ऑब्जर्वेशन कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, रिजल्ट, ये तीनों चीजें, अगर मान लीजिए अगर हमारा रिजल्ट जो है वो हमारा कुछ कैलकुलेटिव होता है तो वहां पे हम लोग रिजल्ट को एज ए रिजल्ट में लिखते हैं, पर यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकल है वो बेस्ड है ऑब्जर्वेशन पे, तो हम ऑब्जर्वेशन ही हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा। और लास्ट में हम क्या लिखते हैं, प्रिकॉशन लिखते हैं। प्रिकॉशन मतलब कि आपने जब इस रिएक्शन को कराया या ये प्रैक्टिकल किया तो आपने किन किन चीजों का मतलब ध्यान रखा, उसे हम कहाँ लिखते हैं, प्रिकॉशन में लिखते हैं। तो ये सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर मैं आपको ये सारी चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, मतलब बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है, और मैं लाइव आपके सामने प्रैक्टिकल को करके दिखाऊंगा, जहां पे आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। बट उससे पहले आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अच्छे से रिवाइज करोगे, अच्छे से उस चीज को मतलब जो भी कोई भी डाउट अगर हो तो उसे क्लियर करोगे, और क्लियर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसका प्रैक्टिकल करेंगे। और एक चीज और आप ध्यान रखो कि जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ाए हैं उसको आप ध्यान रखो, क्योंकि बिना उसके आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि अगर हम इसी में बात करेंगे तो Fe+CuSO4 SuSO4 पहले ब्लू कलर का होगा, आप देखोगे, और बाद में वो कैसे ग्रीन हो जाता, ग्रीन क्यों होता है, बिकॉज SuSO4 का फॉर्मेशन हो गया। तो ये चीजें आप देखोगे वहां पे, ऑब्जर्व करोगे, आपको ये चीजें वहां पे समझ में आएगी, ठीक है। तो इस चीज का आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये चीजें हम लोग वहां पे देखेंगे।
उसके ये होगा डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन हो गया, एफ सी वर्सेस फोर हो गया। तो ये चीज करने के बाद हम लोग आगे की तरफ नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो जो भी चीजें हमने थ्योरी में पढ़ी नेक्स्ट क्लास में उसका हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उनसे हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा आप अगर मेरे राइट हैंड साइड में देखो तो मैंने वो क्वेश्चन लिख रखा है। आप ये जो क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का क्या है, समरी है। कभी भी आपको अगर ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो पहले आप क्या करोगे, इसी तरीके से उसका लिखोगे समरी। जैसे मैं अगर इस क्वेश्चन को पढ़ूं, ये क्वेश्चन क्या था, ये ब्लैक कंपाउंड है XO जो कि Y2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। Y2 क्या है, एक गैस है, रिएक्शन किया जो ये बना X+Y2O। ठीक है, ये जो X है वो रेड ब्राउन कलर का है, ठीक है, जो कि HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। वहां देखोगे पूरा स्टेटमेंट में वो क्वेश्चन लिखा हुआ था। Y2 जो है वो प्रिपेयर होता है जब हम किसी भी मेटल को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, और Y2O जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, और Y2 जो है अगर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। मैंने एनहाइड्रस का मीनिंग क्या आप लोगों को बताया था, एनहाइड्रस मतलब क्या होता है कि जो कि ड्राई अगर नेचर का होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनहाइड्रस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद, अगर इस ये चीज आपको समझ में आ गई, सपोज कीजिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली Y2 गैस समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे है यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा याद हो तो ये चीज अगर आप पहचानना चाहो तो आप कह सकते हो कि रेड ब्राउन कलर अगर जो होता है वो एक्सेल के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपाउंड ये एच जो है वो कुछ नहीं कॉपर रहा होगा। कैसे मुझे पता, तो अगर मैं जब मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाया था उस समय मैंने ये चीज कहा था कि जो भी आपका हाइड्रोजन से नीचे वाला जो भी आपका मेटल्स है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस X को X+HCl अगर लिखते हैं तो ये क्या होता है कि रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब X या तो सिल्वर रहा होगा, गोल्ड रहा होगा, प्लेटिनम रहा होगा या फिर कॉपर रहा होगा। आई बात समझ में। और आपको ये भी पता हो, जब हमने लेड कॉपर नाइट्रेट का जब मैंने डिकम्पोजिशन कराया था तो हमें कहा था कि ये कैसा कंपाउंड होता है, कॉपर का कैसा कंपाउंड होता है, ब्लैक कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये हो गई, तो ये रेड ब्राउन कलर हो गया, HCl हो गया, तो ये X जो क्या है, ये हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। अब हम आगे तरफ पढ़ते हैं तो हमें पहला तो X मिल गया कि X क्या है, कॉपर। ठीक है, अब हमें Y2 ढूंढना है। तो यहाँ पे आइए, Y2 इज प्रिपेयर्ड बाय मेटल प्लस HCl। कह रहा कि Y2 तब प्रिपेयर होता है जब हम मेटल को HCl से रिएक्शन कराते हैं। तो मेटल को जब आप HCl से रिएक्शन कराओगे तो बनता है MCl। यहाँ पे अगर मान लो मैं इसे यहाँ पे n लिखता हूँ और n को मैं n की वैलेंसी मानता हूँ। ठीक है, m की वैलेंसी सपोज करो कोई भी वैलेंसी अगर m की होगी तो वो वहाँ पे वो कंपाउंड को मैंने MCl लिखा। ठीक है, आप इसे n+ लिख सकते हैं, n+ मतलब कोई मेटल की वैलेंसी जो कि या तो 1 होगा, अगर 1 होगा तो MCl हो जाएगा, 2 होगा तो MCl, 2 होगा तो MCl 3। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखो, ये प्लस क्या मीन होता है, H2। इसका मतलब कि जब हमारा जो H होगा वो और कुछ नहीं क्या रहा होगा, हाइड्रोजन रहा होगा। आई बात समझ में। तो Y2 प्रिपेयर्ड बाय मेटल प्लस HCl, इसका मतलब Y2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और आपको पता है कि अगर ये H2O अगर जो है वो क्या होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। आई बात समझ में, रूम टेम्परेचर क्या होता है, लिक्विड होता है। और आपको पता है कि वाटर को अगर आप किसी भी एनहाइड्रस के साथ मिक्स करते हो तो वो क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड हो जाता है। और इसी हाइड्रेटेड के कारण कॉपर सल्फेट आपका क्या होता है, ब्लू होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि जब कॉपर सल्फेट अगर हाइड्रेटेड है तो वो ब्लू कलर का होता है। जैसे जैसे आप उसे हीट करोगे देखोगे कलर जो है वो क्या हो रहा, डिसअपीयर हो रहा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा, वाटर जो है वो रिमूव हो रहा, वहां से वाटर क्या हो रहा, इवेपोरेट हो रहा या फिर वहां से बाहर जा रहा। ये बात आपको समझ में आई, तो इसका मतलब ये हुआ। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमें X को Y2 को उसके बाद X+O+Y2 को आपको रिएक्शन कराना था। ठीक है,
और बताना था कि ये रिएक्शन कैसा है। और तो कुछ सुना नहीं, x बता ही दिया, x2 बता ही दिया, y2 अच्छा y2 y2 भी क्या ये बता दिया। तो शुरू करते हैं, मैंने सारा चीज आपको सॉल्व करके दिखा दिया है। तो y2 क्या था, हाइड्रोजन, x क्या था, कॉपर, x2 क्या था, CuO, y2 क्या है, वाटर, और x2 y2 मतलब क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये हो जाएगा X2O प्लस कॉपर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये रिएक्शन कैसा होगा, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, रेडॉक्स या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कैसे, देखो हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है ना कॉपर से, तो हाइड्रोजन कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बन गया, वाटर प्लस कॉपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरूरी नहीं है कि मेटल का हाइड्रोजन के साथ ही डिस्प्लेस करके हमेशा एसिड के साथ ही डिस्प्लेस करके सॉल्ट बनाए। और रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है, यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है नहीं है, इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन, और यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे इसका हो गया है रिडक्शन, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। आप अगर चाहो तो इसे ऑन द बेसिस ऑफ आप क्या कहते हैं जो हाँ तो इसे आप क्या कहोगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहोगे, ठीक है। और इसे इस रिएक्शन ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। तो कभी भी आपके पास अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन तो मैं और किसी और तरीके से ये कराता हूँ, आप मुझे बताओगे कि ये क्या है। जैसे कि देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना आप कलर जरूर ध्यान रखोगे कि किसका कलर कौन सा होता है, जो मैंने बहुत सारे कंपाउंड आपके सामने लिखे थे, ऐसे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी 5-6 पहले करा चुका हूँ। तो उस क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, वो सब क्वेश्चंस अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो कि और हाँ, इस पिछले वाले क्वेश्चन में आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी आप अपना ढूंढ लेना, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये आपका हो गया होमवर्क, आप इसे खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि सपोज कीजिए कि आपके पास NaNO3 NaCl प्लस NaNO3, ठीक है, ये है। और आपको क्या करना है, इसका आपको प्रोडक्ट लिखना है AgNO3। अब आपको सपोज कीजिए आपको नहीं पता कि इसका स्टेट क्या होगा, तो मैंने मेरे वीडियो में आप पीछे वाले वीडियो में आप जाकर के देखोगे, फोर्थ या फिर फिफ्थ वीडियो में आपको मिल जाएगा कि इसका NaCl और AgNO3 को हम स्टेट कैसे मेंशन करते हैं। तो मैंने बताया था वहां पे कि जो भी NO3 का सॉल्ट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, सोल्युबल होता है, ठीक है। और मैंने कहा था सोडियम का भी सारा सॉल्ट क्या होता है, सोल्युबल होता है। इसका मतलब सोल्युबल सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं, ठीक है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्वस मतलब हम लोग एक्वस क्यों लिखते हैं, मतलब एक्वस का मतलब क्या है। तो देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, एक्वस कहने का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्वस एंड वाटर, ठीक है, या फिर लिक्विड। हम लोग लिक्विड लिखते हैं ना कहीं पे, और कहीं पे एक्वस लिखते हैं, इस दोनों में हमारा डिफरेंस क्या है। तो आप ध्यान रखोगे लिक्विड हमारा हो गया एक तरह का स्टेट ऑफ मैटर। अगर मान लीजिए अगर हम आइस कहते हैं तो ये होता है सॉलिड, अगर यही आइस जब मेल्ट करता है तो इसे हम लिखते हैं लिक्विड। तो इसका मतलब कि इसका यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं हुआ, ये जैसा था आइस वैसा ही क्या, मतलब जैसा मतलब इसका जो सॉलिड था ये सॉलिड से बस किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसके साथ कोई और सब्सटेंस नहीं मिला हुआ, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट या किसी भी तरह का इसमें कोई भी अदर प्रॉपर्टीज नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज याद रखो कि जब हम एक्वस कहते हैं इसका मतलब हम कहते हैं कि कोई भी चीज जो सॉल्यूट होगा वो वाटर में क्या होगा, डिजॉल्व होगा, मतलब वाटर में क्या होगा,
सॉल्युबल होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। इसका मतलब कि जो हमारा लिक्विड है, अगर वो लिक्विड एज अ सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। आई बात समझ में? तो कोई भी सॉल्ट अगर आप वाटर में उसे डिजॉल्व करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। एक किसी ने और पूछा था कि सर डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। देखिए कोई भी जो एसिड होता है ना या फिर बेस होता है, मैं नहीं किया आपका नेक्स्ट चैप्टर में है, एसिड या फिर जो बेस होता है उसे हम क्या कहते हैं कि उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, अमाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट वो चीज है। तो सपोज की जैसे कि हमारे पास HCl है, तो इस HCl में इसकी HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, तो आप देखते हो 99% लिखा रहता है, 94% लिखा रहता है, ये मतलब होता है कि इसमें जो है वो 99% तो HCl है लेकिन बाकी क्या है 1% वाटर है। तो जहां कहीं भी वाटर, अगर किसी चीज को अगर आप वाटर में डिजॉल्व करोगे या फिर मिक्स करोगे तो सॉरी डिजॉल्व करोगे तो उसे आप उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट। किसी एसिड या बेस को अगर हम डिजॉल्व करते हैं वाटर में उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट। अगर किसी सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं तो क्या कहते हैं, एक्वस। आई बात समझ में? तो जहां पे वाटर की मात्रा ज्यादा होगी एसिड या बेस की तो वहां कहेंगे डाइल्यूट, जहां वाटर की मात्रा कम होगी वहां कहेंगे कंसंट्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, इसका प्रोडक्ट लिखना था, तो क्या होता, Na के साथ क्या आ जाता, Na के साथ आ जाता NO3, तो NaNO3। और ये कैसे आया, देखिए यहाँ पे NaCl में Na की क्या है, +1, क्लोरीन की क्या है, -1, तो Na +1 और Na -1 कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, NaCl, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे Na, यहाँ पे Ag +1 और NO3 -1, तो क्या बन जाएगा, Na NO3 और प्लस AgCl। और मैंने कहा था कि NO3 का सारा सॉल्ट सॉल्युबल है, ये क्या कहलाएगा, एक्वस। और AgCl मैंने कहा था कि क्लोराइड का जो सिल्वर सॉल्ट होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल कहते हैं। आई बात समझ में? तो इस चीज को आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे और इस चीज का हमेशा यूज करोगे जब भी आप क्वेश्चन से केमिकल इक्वेशंस लिखते हो, उस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, इसका आप यूज करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बार बार की पूछ रहा है कि सर व्हाई डिस्टिलेशन इज कंसीडर्ड एज एग्जोथर्मिक नेचर। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले वीडियो में भी दे रखा हूँ। देखिए मतलब कोई भी चीज एग्जोथर्मिक कब होता है, जब वहां से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, सही है। तो ये एनर्जी अगर कहीं से भी रिलीज होगी तो वो क्या कहलाएगा, एग्जोथर्मिक कहलाएगा। ये चीज अगर आपको, अगर मान जैसे कि हम कोई भी भोजन करते हैं, तो क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो ब्रेकडाउन होकर के हमारे शरीर को क्या प्रोवाइड करता है, हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है एनर्जी, और ये एनर्जी फूड के ब्रेकडाउन के कारण हुआ है। तो फूड के ब्रेकडाउन के कारण जब होता है जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम मतलब जो ब्रेकडाउन आपका हुआ उसे हम क्या कहेंगे, एग्जोथर्मिक नेचर का कहेंगे। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है इसे कार्टेशियन क्या कहते हैं, एग्जोथर्मिक नेचर कहते हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखोगे, इसको डिटेल में मैंने उस वीडियो बता रखा है, आप वहां पे जाकर देखोगे आपको ये समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चंस करोगे और भी क्वेश्चंस आता है इस टाइप के, आप मुझे बताओगे, मैं उसे सॉल्व करूंगा और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। डिस्प्लेसमेंट सेक्शन को अच्छे से पकड़ के रखना ताकि प्रैक्टिकल सेशन में आपको अच्छे से समझ में आए, और आप देखोगे जितना चीजें थ्योरी को जितना पढ़ना आसान है उससे कहीं ज्यादा आसान है प्रैक्टिकल को समझना अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है। तो इसलिए होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा, खूब अच्छे से ऐसे पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखो और Thank you.